टुडे आई एम एक्चुअली हियर नॉट एज अ सेलिब्रिटी बट एज अ मदर फर्स्ट. मैंने पहली सवाल मैंने पूछा कि यू ऑल टेल मी स्टोरीज, क्योंकि मैं सुनना चाहती थी कि हाउ डू दे कम्युनिकेट व्हेन दे आर टॉकिंग टू मी. मैंने पूछा सबसे कि क्या बनना है बड़े होकर. सब ने कहा आईएएस ऑफिसर, आर्मी में ज्वाइन करना है, साइंटिस्ट बनना है, डेंटिस्ट बनना है. क्योंकि मैं दो बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना इनकरेज करती हूँ. वो बेड टाइम की जो कहानी होती है कि जो तैमूर और जे सुनते हैं आज भी, तैमूर खास करके, क्योंकि अभी ही इज इन दैट यू नो प्राइमरी ईयर्स ऑफ वॉन्टिंग टू. करीना कपूर प्रमोट एवरी चाइल्ड रीडिंग मूवमेंट इन महाराष्ट्र एट मिथानगर म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल. गुड आफ्टरनून एवरीवन. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. थैंक यू टू यूनिसेफ एंड टू मिथानगर म्यूनिसिपल स्कूल फॉर हैविंग मी हियर टुडे टू एक्सपीरियंस. क्योंकि जो आज मैंने देखा खुद अपनी आँखों से, आई थिंक कभी हमने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूँगी, उनसे बातें करूँगी और उनकी खुद की कहानी सुनूँगी कि वॉट दे एक्चुअली फील. टुडे आई एम एक्चुअली हियर नॉट एज अ सेलिब्रिटी बट एज अ मदर फर्स्ट एंड देन अ यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट. आई हैव बिन वर्किंग विथ यूनिसेफ फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ एंड काफ़ी कुछ कैंपेन्स किए हैं हमने एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में. But I think this campaign was truly special when they came up with this thought that I should come and visit and come here and experience it myself. But we must encourage this at home also. क्योंकि मैं दो बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना encourage करती हूँ. वो बेड टाइम की जो कहानी होती है कि जो तैमूर और जे सुनते हैं आज भी, तैमूर खास करके, क्योंकि अभी ही इज़ इन दैट यू नो प्राइमरी ईयर्स ऑफ वॉन्टिंग टू रीड, वॉन्टिंग टू शो करके, मुझे पढ़ना आता है, कोशिश करना आता है. ही लाइक्स टू डू एंड ही इज़ लविंग रीडिंग, चाहे वो अमर चित्रकथा की कहानी हो, पंचतंत्र की कहानियाँ हो, अकबर बीरबल की कहानियाँ हो. ही इज़ इन्जॉइंग अलादीन, ही इज़ इन्जॉइंग ऑल दीज काइंड ऑफ स्टोरीज राइट नाउ. एंड फॉर मी टू सी एंड टेक आउट वो जो 15-20 मिनट जो वक्त हम लोग निकालते हैं, ऑफकोर्स विद आवर बिजी शेड्यूल, सैफ एंड मी, इट्स ऑलवेज आइदर हिम और मी, वी टेक आउट दैट टाइम. दैट वो एक वो पत्थर में लिखा हुआ है कि वो टाइम जो है तैमूर के सोने से पहले के माँ या बाप को डेफिनेटली, ऑफ कोर्स वर्किंग पेरेंट्स होते ही, बट ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, कजन, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, एनीबडी. आइडिया इज दैट टू इन्जॉय द टाइम व्हेन यू आर रीडिंग ऑल्सो, यू नो, बिकॉज दैट हेल्प्स एक्सप्लोर द चाइल्ड्स माइंड, इट ओपन्स देयर होराइजन्स. इसीलिए आज लोग, ये बच्चे जो मैं मिली थी आज, ये लोग इतनी कहानियाँ सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं. सब ने इतनी अच्छे आंसर्स दी, सब ने कहा कि बड़े होकर मुझे ये करना है, वो करना है. दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू ले द फाउंडेशन. फाउंडेशनल लर्निंग इज़ गोइंग टू, यू नो, इट इज़ गोइंग, इट इज़ आवर फ्यूचर, इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम ग्रो एंड बिकम वॉट दे आर. जब मैंने पूछा सबसे कि क्या बनना है बड़े होकर, सब ने कहा आईएएस ऑफिसर, आर्मी में ज्वाइन करना है, साइंटिस्ट बनना है, डेंटिस्ट बनना है. ऑफ कोर्स किसी ने नहीं कहा कि फिल्म स्टार बनना है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं. मैंने, मुझे भी नहीं बनना था. आई ऑल्सो वॉज लाइक, नहीं मैं होस्टेस बनूंगी, मैं लॉयर बनूंगी, एंड दैट्स, यू नो, वो जर्नी वैसे शुरू होती है. बट आई एम सो हैप्पी दैट सबके आंसर्स ऐसे थे, सबके आंसर्स वर लाइक दे जस्ट वॉन्टेड टू, उनकी जो एनर्जी थी एंड दे हैड दैट जॉय इन देयर आईज बिकॉज दे आर रीडिंग, दे आर लर्निंग. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द BMC कि जिस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट्स चूज़ किए, टीचर्स चूज़ किए हैं, जिस तरह से प्रोफेशनल्स को चूज़ किए, सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़.